Hello friends, welcome to my channel and today I am going to draw rainbow tree. So let's begin. सबसे पहले हम लोग ट्री की ब्रांचेस को बनाएंगे ब्लैक कलर से, और इसके लिए हमें जीरो ब्रश का ही यूज़ करना है क्योंकि उससे हम थिन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ऑयल पेंटिंग का कलर यूज़ किया है इसे ड्रॉ करने के लिए। आप लोग चाहो तो वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हो, बट ऑयल पेंटिंग मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने इसे ही यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आप लोग चाहो तो इसमें और भी ब्रांचेस ऐड कर सकते हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे नीचे में थोड़ा कर देंगे डार्क पोर्शन। कलर्स को हम लोग इस तरह से इसमें डॉट डॉट करके डालेंगे। हमने इसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर का यूज़ किया है। इस तरह से हम ब्रश को यूज़ करेंगे और अपने सारे कलर्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले रेड वाला पार्ट को करेंगे, फिर ऑरेंज, येलो, इस तरह से करेंगे। अब हम येलो पार्ट पे आते हैं। और फिर ग्रीन। ऑयल कलर में फ्रेंड्स कलर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है इसलिए मैं ऑयल कलर ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ट्री जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग शेडो पे आते हैं। जिधर ट्री के ब्लू साइड है हम उसे ब्लू कलर से शेड करेंगे और रेड तरफ रेड कलर से शेड करेंगे। इस तरह से हम इसे ऑरेंज और ग्रीन का भी शेड देंगे। इस तरह से हम उसे हॉरिजेंटल वे में शेडिंग देंगे ताकि हमें वाटर का पता चले। अब हम ज़ीरो ब्रश लेंगे और ट्री के ब्रांचेस को करेंगे ताकि वो हाईलाइट हो। आप इस तरह से दूसरे जगह पे भी ब्रांचेस को बना सकते हैं ताकि और ज़्यादा हमारा ट्री ब्यूटीफुल लगे। लास्ट में हम लोग ब्रांचेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। वाटर बनाने के लिए हम इसमें ज़ीरो ब्रश का यूज़ करेंगे और डार्क ब्लू और लाइट ब्लू से वर्टिकल लाइन स्ट्रेटली ड्रॉ करेंगे। आप लोग इसमें वाइट का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने इसमें किया है। तो हमारा रेनबो ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये पेंटिंग कैसा लगा। So friends, do like, share and subscribe my channel Artist Priyanka. Thank you for watching this video.